बारिश के मौसम में क्रिस्पी चटपटे पकौड़े और भुट्टे खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए आज बनाते हैं भुट्टे के कटलेट। ये ऊपर से जितना क्रिस्प है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। इसे बनाना बहुत आसान है, घर की चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। भुट्टे के इस क्रिस्पी स्नैक को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 भुट्टे। बाजार में ताजे, सस्ते और गुड क्वालिटी के भुट्टे मिल रहे हैं और बहुत हेल्दी होता है, तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसके छिलके को अलग कर लेते हैं। आप ये नाश्ता अमेरिकन कॉर्न से भी बना सकते हैं। और इसके जो भी रेशे होते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, हाथ से निकाल दीजिए। और जब भी ये स्नैक बनाए तो नाखून से एक बार इस तरीके से दाब के चेक कर लें क्या सॉफ्ट भुट्टे हैं। तो हमें सॉफ्ट भुट्टे का ही इस्तेमाल करना है। अब भुट्टे के दानों को हम निकालेंगे, तो इस तरीके से रखिए और चाकू से आपको धीरे धीरे चलाना है। एक बार में अंदर तक नहीं ले जाएगा, 2 से 3 बार चला करके हमें निकालना है। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए हमने निकाल लिया है। अब थोड़े मोड़े जो भी दाने इसमें फंसे हैं इसे इस तरीके से खरोच के निकाल दें। देखिए इस तरीके से, तो जितने दाने फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे और ज़रा भी बर्बादी नहीं होगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए इसी तरीके से हम सारे भुट्टे के दानों को निकाल लेते हैं। तो भुट्टे के दानों को हमने निकाल लिया है। अब इसमें से 3 चम्मच दानों को हटा लीजिए और बाकी हम मिक्सी के जार में डाल के बिना पानी डाले पीस लेते हैं। पीस लिया है, अब एक बाउल में निकाल लीजिए। तो कॉर्न का ये खुद का पानी है, हमने ज़रा भी पानी नहीं डाला है। अब इसमें हम कुछ साधारण से मसाले डालेंगे। 5 से 6 करी पत्ता को इस तरीके से बारीक चाकू या किचन सीजर से काट के डालें। 2 बारीक कटी हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। चटपटा स्वाद के लिए यहाँ पे डालिए 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न को पीसने के बाद अगर नाप करें तो 1 कप है मेजरिंग कप से। 1/2 छोटी चम्मच जीरा, हरी मिर्ची हमने डाला है इसलिए 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें या फिर 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक डालें यानी कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये जो हमने कॉर्न के दानों को रखा था इसे भी डाल दें। 2 चम्मच हरी कटी धनिया पत्ती। बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे चावल का आटा, आप इसके बदले बेसन प्लस 2 चम्मच सूजी डालिए, हाथों से मिला लें। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप चावल का आटा का इस्तेमाल किया है। हमें उतना डालना है जितना में अच्छे से ये डो के फॉर्म में हो जाए। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से डो की तरह हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और इस तरीके से कटलेट का शेप देंगे। तो बहुत ही आसानी से बिना तेल लगाए बन जाएगा, ना छोटा है ना बहुत बड़ा है। इसी तरीके से मीडियम साइज रखिएगा। फिर से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें और इस तरीके से रोल करें और तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दें। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो देखिए हमने सारे बना लिए हैं और कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल भी गीला नहीं है या फिर चिपचिपा सा नहीं है, आप आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाला है, फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा, तेल गर्म होना चाहिए। और गर्म तेल में और कम आंच पर हम एक एक कटलेट को डालते हैं। तो इस कॉर्न आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो बराबर से चावल का आटा और कॉर्न पके, इसलिए फ्लेम बिल्कुल भी बढ़ाइएगा नहीं, लो टू मीडियम पे ही हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने देंगे, बिल्कुल भी तेल में जाके बिखरेगा नहीं। तो एक बार में ही मैंने सारे डाल दिए हैं। 2-3 मिनट तक इसमें हम बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मिनट हो चुका है,
अब स्पैचुला से हम इस तरीके से हिला लेते हैं, तो देखिए कहीं से किसी भी तरीके का क्रैक नहीं आया है, बहुत ही आसानी से आप उलट पलट कर सकते हैं। जिस तरफ हमने डाला था उस तरफ कलर भी बहुत अच्छा आया है, तो दूसरी तरफ आप उलट दीजिए। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, तो टोटल आपको 7 मिनट का टाइम लग जाएगा फ्राई करने में। दोस्तों फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है और कितना प्यारा कलर आया है। कॉर्न का ये क्रिस्पी कटलेट आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगने वाला है, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा भी डाला है। एक एक करके ऑयल से निकाल लीजिए, तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और जितना देखने में है खाने में उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो हर पकौड़े की तरह ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, पूरी तरीके से ड्राई है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है झटपट बनने वाला भुट्टे के क्रिस्पी कटलेट, आप इसे पकौड़ा भी बोल सकते हैं। तो कितना परफेक्ट बना है और कितना क्रिस्पी है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से जितना क्रिस्प है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। बहुत ही कुरकुरा नाश्ता है, आप ज़रूर ट्राई करें। हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें।